डैनी और उसका बड़ा भाई वॉल्टर एक गेम की मदद से अपने पूरे घर समेत अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस घर में इनकी बहन लीजा भी है, जिसे ये दोनों पूरी कहानी समझाने लगते हैं। लीजा को इनकी बातों में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, इसलिए वो इन्हें अनदेखा करके बाथरूम में चली जाती है। ये दोनों फिर से इस गेम को चलाते हैं और फिर से कार्ड निकलता है। इस बार कार्ड में लिखा था कि इनमें से कोई एक अगले 5 गेम तक बर्फीली नींद में सोने वाला है। अचानक इनके सामने से ठंडी हवा आने लगती है। जांच पड़ताल करने से पता चलता है कि पूरा बाथरूम बर्फ से ढक चुका है, साथ ही लीजा भी बर्फ से जमकर बर्फीली नींद में सो गई है। वॉल्टर को गेम के नियम पढ़ने से पता चलता है कि गेम को खेलते रहना होगा। दोनों भाई फिर से गेम को खेलने लगते हैं। इस बार कार्ड में लिखा था कि रोबोट दोषपूर्ण है। कुछ ही देर में इनके सामने एक राक्षस रूपी रोबोट प्रकट हो जाता है। डैनी और उसका भाई रोबोट के हमले से बाल बाल बचते हैं। डैनी लीवर घुमाकर फिर से गेम को चलाता है। इस बार घर की तमाम चीजें उथल पुथल होने लगती है। इनका घर किसी स्पेसशिप की तरह उड़ने लगता है। लीजा भी अपनी जगह से हिल जाती है, क्योंकि कार्ड के अनुसार ये लोग सोरस 3 नाम के ग्रह के पास से गुजरने वाले हैं। थोड़ी देर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन लीजा का शरीर अभी भी जमा हुआ था। दोनों भाई लीजा को उठाकर फिर से बाथरूम में रख देते हैं। ये दोनों लगातार गेम खेलते रहते हैं और इनके ऊपर तरह तरह की मुसीबतें आती रहती है।